ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। पहली तीन एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। आपके लिए स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। अमीना कोई लड़की है, थिंक्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के बारे में सोचती है, सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। एक नंबर दिमाग में वो सोचती है और उसमें से 5/2 माइनस कर देती है। चलिए पहले इतना सा हम कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर, कोई एक नंबर आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रही है, ये कह रहे कि इसमें से 5/2 माइनस कर। ओके, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय, इस रिजल्ट को शी मल्टीप्लाइज, देन शी इज सेइंग द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। कि ऐसा करने से जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। सेम नंबर उसने क्या सोचा, तो 3 times क्या होगा, 3x, और ये हो गया इसका रिजल्ट। सिंपल स्टेटमेंट है, कोई नंबर है दिमाग में सोचिए, उसमें से 5/2 आपको माइनस करना है और उसके प्रोडक्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से जो नंबर आपके पास आएगा, दैट नंबर विल बी 3 times ऑफ द नंबर दैट यू हैव थॉट इन योर माइंड। अब कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व कर दीजिए इसको। लेट्स टेक द एलसीएम 2, दिस 2x माइनस 5 इंटू 8, 4 से कट गया, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 8x माइनस 20 इक्वल्स 3। ओके, नाउ दिस इज 8x माइनस 3x प्लस 20, जो सेम टर्म्स है उनको मैंने एक साइड कर लिया, दिस इज 5x इज इक्वल्स 20 एंड x इज इक्वल्स टू। तो जो नंबर उसने सोचा था, दैट नंबर इज 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The answer will be, अब आंसर कैसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, द नंबर इज इक्वल्स टू, दिस इज योर आंसर। वेरी इजी एंड वेरी क्रिस्पी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं। पहले स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी है। सम ऑफ अ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। 2-digit का कोई नंबर है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये आंसर नहीं वैसे बता रहा हूं, 2-digit का कोई नंबर है, इसके जो डिजिट्स है उनका जो सम है वो 9 है, ऐसा ये कह रहा है। When we interchange the digits, it is found that the resulting number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? ये आपको बताना है। Second half में कह रहा है, अगर इसके digits को interchange कर दें, ऐसे कर दें, तो resultant आपका कुछ और आता है। अब मुझे एक बात simple सी बताइए, अगर 27 को अगर मैं लिखूं, 27 को कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहली चीज तो ये है, 27 में 2 digit है, दिस इज 1's पोजीशन एंड दिस इज 10's पोजीशन। 10's पोजीशन का मतलब क्या है, 2 into 10 प्लस 7 into 1, ये मतलब हुआ अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखें, क्योंकि 10's पोजीशन का मतलब होता है उस नंबर के साथ 10 मल्टीप्लाई है, 100 पोजीशन का मतलब उसके साथ 100 मल्टीप्लाई है, और 1's पोजीशन का मतलब है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई। ओके, ये क्वेश्चन है। So, sum of 2 digits of a 2-digit number is 9. तो सबसे पहले यहां तक एक बार करते हैं। Let the digit at 1's position. 1's position पे digit को हम मान लेते हैं। या सबसे पहले इसने दिया है कि दोनों का sum जो है 9 है। अगर हम वंस पोजीशन पे नंबर मान लेते हैं x, समझे, तो सेकंड जो टेंस पे डिजिट आएगा वो 9 माइनस x आएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो लेट द डिजिट एट वंस पोजीशन इज x,
और लेट द डिजिट एट टेंथ पोजीशन। ठीक है, 9 माइनस 10, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों डिजिट का सम बेटा 9 है, तो अगर एक डिजिट आपने एक्स मान लिया तो दूसरा 9 माइनस एक्स अपने आप हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर इज 10th पोजीशन है प्लस ये 9th, ये 1th पोजीशन था, ये 10th पोजीशन, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम इस जैसा आ गया, ये डिजिट आपका 1th पोजीशन पे था, ये 10th, ये 10th पोजीशन। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, डिजिट्स को अगर आप इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज द डिजिट, तो इंटरचेंज करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इट इज वेरी सिंपल, 10x प्लस 9 माइनस, ये आ जाएगा, जो वंस पे था वो टेंस पे चला जाएगा, टेंस पे था वो वंस पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। तो इंटरचेंज करके जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आया है 10x प्लस 9 माइनस x, और इधर है हमारा 10 9 माइनस 10, तो रिजल्टिंग नंबर है हमारा 9 माइनस x, ये 27 ज्यादा है इस वाले नंबर, ये हमारा क्वेश्चन। दोबारा देखिए, कोई दो डिजिट का एक नंबर दे रखता है, उसके दोनों डिजिट का सम, तो 9 है तो 1 पोजीशन पे हमने मान लिया, 10th पोजीशन पे क्या होगा 9 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो सम था वो 9 था, समझे। अगर एक नंबर आपके पास x है तो दूसरा 9 माइनस x, ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है, 1 पोजीशन पे x है, 10th पोजीशन पे 9 माइनस x, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया क्यों कर। फिर कह रहा है इंटरचेंज कर दो डिजिट्स को, 1s को 10s की जगह ले आइए, 10s को 1s की जगह ले आइए। फिर आगे कह रहा है कि जो नया नंबर आया है पुराने वाले से 27 आपका ज्यादा है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज सेइंग व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर, तो जो नया नंबर हमें मिलता है, नया नंबर ये है, ये नंबर 27 ज्यादा है इस वाले से, तो अगर इन दोनों को पैरेलल करना है, बराबर करना है, तो इसमें से 27 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा, 27 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 10x माइनस x साइन x माइनस 27 9, और 27 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो माइनस 18 बचेगा आपके, तो माइनस 18 इधर जाके हो जाएगा प्लस 18, दिस इज प्लस 19, दिस इज माइनस 10x माइनस x प्लस x, तो दिस इज माइनस 9x, और इधर आके ये हो जाएगा आपका प्लस 9x, तो दिस इज 18x एंड दिस इज, ये कितना बनेगा, अब विल बिकम 8108। अगर आप इसको 18 से डिवाइड करें, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक 6, तो यहां से एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, अब इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे आगे, ओरिजिनल नंबर हमें निकालना था, ओरिजिनल नंबर ये 10 9 माइनस x प्लस x, एक्स की वैल्यू पुट करिए, 10 9 माइनस 6 3 प्लस x 6, तो दिस इज 36, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आपको मिला है
ये वाला नंबर, ये 27 ज्यादा है इस वाले नंबर से। अगर दोनों को बराबर करना है तो या तो आप इसमें 27 प्लस करिए 27, या फिर इसमें से आप -27 माइनस, तब जाके ये दोनों पैरेलल हो पाए। दोबारा देखिए, कोई नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स का सम 9 है, वंस पोजीशन पे एक्स मान लिया, 9 पोजीशन पे 9 माइनस एक्स क्योंकि दोनों का सम 6 है। अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? वंस पोजीशन पे एक्स प्लस 10 इंटू 9 माइनस एक्स, इंटरचेंज कर दिया, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थ्री, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। के बाद हम बेटा फोर्थ क्वेश्चन इज सेम इज विद थर्ड क्वेश्चन, वी विल गो विद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5th इज ऑन द स्क्रीन। सुबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबूज प्रेजेंट एज। एक लड़का है सुबू और ये उसकी मदर है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सुबू की जो माँ है, मम्मी है, मदर है, उसकी प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबूज प्रेजेंट एज। तो लेट सुबूज एज एक्स, लेट सुबूज मदर्स एज 6 टाइम बोला है तो 6x कर देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर कह रहा है सुबूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सुबूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, सुबू की जो एज है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 5 विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सुबू की जो एज है 5 साल बाद उसकी मम्मी की एज की कितना बोल रहा है, 1/3 होगा, इसका 1/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे दोनों। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, तो कट कर देते हैं 3 2x, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स 2x, तो दिस इज एक्स माइनस 2x माइनस 5, दिस इज माइनस एक्स माइनस 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे इसने क्या पूछा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, उनकी प्रेजेंट एज हमसे पूछी है कि क्या होगी। तो प्रेजेंट एज बेटा आंसर कैसे निकालेंगे, सुबू की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स मानी थी तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, कोई समस्या। मदर की प्रेजेंट एज है 6 है, एक्स मानी थी हमने तो 6 प्लस 5 था, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है माय डियर, स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:5, उसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:5 है। एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर it will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? Plot के dimensions आपको बताने हैं, 75,000 रुपये total खर्चा आया अगर इसकी fencing करेंगे। So, let the length, इसकी length क्या है, 11:4 दे रखा है तो हम इसको मान लेते हैं 11x. Let the breadth, it is 4x. अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, तो 2, L इज व्हाट 11x, B इज व्हाट 4x, है ना, दिस इज L लेंथ, तो इट इज 30x, 30x ये हमारा आ गया मीटर एरिया। फिर कह रहा है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कोस्ट, एट द रेट ऑफ 100 मीटर कोस्ट ऑफ फेंसिंग, कोस्ट ऑफ फेंसिंग बच्चों कैसे निकालेंगे, 30x इनटू 100 यानी कि जो भी एरिया आएगा उसको 100 पर मीटर, पर मीटर के हिसाब से इसका खर्चा आएगा, तो इट इज इट विल बिकम 3000x
इसमें कोई समस्या? और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितनी दे रखी है? 75,000, 75,000, दोनों को पैरेलल कर दे। बेटा ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एरिया निकाल लिया, फिर कह रहा है कि जितना एरिया इसका आया है उसको पर मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है या पर मीटर का जो खर्चा है दैट इज 100 रुपीज, तब इनको पॉजिट में रखेंगे। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दे रखी 75,000, 30 से 30 कट, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 25। और हमने इससे क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ दिस, तो लेंथ इज हमने माना था 11x, 11 × 25, 25 572, लेंथ इज 275 मीटर। नाउ ये आंसर है ब्रेथ, इट इज 4x, 4 × 25, 100 मीटर, दिस इज योर आंसर। बेटा किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमें दे रखा था कि एक रेक्टेंगुलर पूल है जो स्कूल के लिए रिजर्व्ड है, उसकी लेंथ ब्रेथ का रेशियो 11:4 है, फिर कह रहा है कि पर 100 मीटर का खर्चा आपका कितना है? 2500 रुपीज है, और टोटल खर्चा है 75,000। तो एरिया हमने निकाल लिया 2 × लेंथ × ब्रेथ करके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दे रखी 75,000, और जो ये एरिया आया है इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, एक्स वैल्यू 25 आ गई। और हमने लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो 11x 4x के साथ 25 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आंसर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे उसको स्किप भी करेंगे और वहीं पे गड़बड़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आप स्टेटमेंट पढ़िए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यही है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो लेट द नंबर ऑफ डियर एक्स, फिर कह रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में कितने चर रहे हैं? ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक्स बाई टू, हाफ तो यही होगा। फिर बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब आधे चल रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, तो जो आधे बच गए उसका 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय कितने खेल रहे हैं वो देखना है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब बच कितने गए बेटा, देखो टोटल एक्स थे, हाफ चल रहे हैं, और जो बच गए कितने, एक्स बाय टू, उसका 3/4 जो है, उसका 3/4 जो है वो नियर बाय खेल रहे हैं, 3x/8। फिर क्या कह रहा है, रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द, ड्रिंकिंग वाटर, नौ है वो पानी पी रहे हैं। फिर आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, झुंड में कुल कितने हिरण हैं ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू, ठीक है बेटा, टोटल कितने हैं एक्स, तो ये जो एक्स है ये किसके इक्वल है, अब एक्स टोटल है तो ये टोटल किसके इक्वल होगा, एक्स बाय टू प्लस 3x/8+9। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, पहले तो एलशियम लेना पड़ेगा, ये आ गया एलशियम, 8 ले लेते हैं, या 2 8 2 1 4, 80 है ये ले लेते हैं, तो 2x 4x + 3x + 72, ये आपको पता होना चाहिए, 7th स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हैं, इसमें कोई ज्यादा टेंशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
नाउ दिस इज 7x प्लस 72, ओके. नाउ 8x माइनस 7x इज इक्वल 72 एंड x इज इक्वल्स टू 72. तो x की वैल्यू बेटा 72 आ गई, तो टोटल हमारे पास जो डियर है वो 22. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. बेटा सिंपल सी बात है, टोटल डियर x हमने ले लिया, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं x बाय 2 है, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब x बाय 2 चल रहे हैं तो कितना रह गया x बाय 2, उसका 3/4 जो है वो नियर बाय खेल रहे हैं, 9 है वो वाटर पी रहे हैं. तो इन तीनों को टोटल कर देंगे, इसको इसको और इसको, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, x. समझ आएगी, ये है क्वेश्चन नंबर 8. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th, 9th आप अपने आप करेंगे, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि बेटा इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, 6 क्वेश्चंस मैंने आपके करवा दिए हैं, बाकी आप खुद करेंगे. अमन्स एज इज, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, अमन की जो एज है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स है, तो सन की एज कितनी है x, तो लेट अमन्स एज इट विल बी 3x, 3 टाइम्स बोला है. फर्स्ट लाइन का मतलब ये, फिर कह रहा है 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. 10 इयर्स एगो, नाउ इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सन की एज है और ये अमन की एज है. 10 ईयर एगो का मतलब है दोनों में से 10 10 माइनस कर, इसमें कोई समस्या. तो ये कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही, यानी कि अमन वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एजेस हमें बतानी है 5 टाइम्स. ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं, 5x माइनस 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x माइनस 10 प्लस 50, 2x इज इक्वल्स 40 एंड x इज इक्वल्स 20. उनकी एज क्या होगी, तो सन की एज कितनी होगी भाई, सीधी सी बात है 20, और अमन की एज कितनी होगी 6. इज योर आंसर, क्योंकि x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा. तो दिस इज जेंटलमैन एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5. इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इस इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, फर्स्टली यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, उसी के बाद आप इसको कर पाएंगे. तो लेट अस डिस्कस नाउ एक्सरसाइज 2.5.